हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाए घंटी के निशान को, उसके बाद में आपको हर वीडियो की अपडेट बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। वेलकम फ्रेंड्स, आरजे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्कूल मॉनिटरिंग फॉर्मेट कैसे भर सकते हैं, SMF कैसे भर सकते हैं। बहुत ही आसान है। हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि ये 8 चरण है, इसलिए आपको हो सकता हो कि ये बड़ा लगता हो, लेकिन ये बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले गूगल के सर्च बॉक्स में लिखें शाला दर्शन, और शाला दर्शन लिखने के बाद में जो वेबसाइट आपके सामने आती है सबसे ऊपर वाली, इस सबसे ऊपर वाली वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करें। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आपके सामने खुलती है। यहाँ पे ऊपर की तरफ कॉर्नर में आपको लॉगिन बटन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ आपको लॉगिन लिखा हुआ नजर आता है। आप इस लॉगिन पे क्लिक करें। जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह से ओपन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यार लॉगिन नहीं होता है और ये ऑप्शन नहीं आता है, और ये कोई इस तरह की सूचना, जरूरी सूचना होती है, वो आपके सामने आती है। यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ क्रॉस का निशान होता है, इस क्रॉस के निशान पे क्लिक करके इस सूचना को यहाँ से कट कर देने। लेकिन कट करने से पहले अगर जरूरी हो तो आप इसको जरूर पढ़ लें। अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आपके सामने नजर आती है। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ स्कूल लॉगिन लिखा हुआ नजर आता है, यहाँ स्कूल लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कूल लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस तरह से स्कूल लॉगिन का पेज खुलता है। यहाँ पे आपको अपना पहले सबसे पहले जिला चुनाव करें, और जिला चुनने के बाद उसके बाद अपनी तहसील यानी ब्लॉक चुनें, उसके बाद में स्कूल चुनें, स्कूल का पासवर्ड भरें, और यहाँ कैप्चा जो 4+2 जो नज़र आ रहा है, 6 जो आएगा 6, यहाँ पे दर्ज करें और लॉगिन बटन पे क्लिक करें। ये यहाँ पे मैंने जिला ब्लॉक और स्कूल चुनने के बाद ये पासवर्ड एंटर कर दिए हैं और ये कैप्चा भर दिया है। अब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही ये आपके सामने इस तरह से आपका जो स्कूल का प्रोफाइल है वो नज़र आता है। यहाँ पे डाई स्कोर, जिले का नाम, विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। यहाँ प्रधानाध्यापक का नाम, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पहला स्टेप आपको नज़र आता है, यहाँ से आप इसको फिलअप करना शुरू करें। इसके लिए आप यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लेंगे नीचे और पहला स्टेप अपन भरना शुरू कर दें। ये पहला स्टेप आपका है। ध्यान रखें इसके अंदर कि हर बार इसके अंदर कुछ ना कुछ हल्का सा चेंजेस हो जाता है, इसलिए आप इनको भरते समय हमेशा ध्यानपूर्वक भरें। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जानकारी है इसमें आपको हाँ के लिए 1 लिखना है, नहीं के लिए 2 लिखना है, जो आपको छोड़ना है उसको नील माना जाएगा, और जिसका उत्तर नहीं देना है वो नील माना जाएगा। और कोई संख्या पूछी है उसमें आप स्पेशल संख्या लिखें, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने भरा है, और यहाँ पे जो कुछ संख्या जो लिखनी है वो संख्याएँ लिखी हैं, हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 लिखा है। इस तरीके से आप इसको भरें, और भरने के बाद में दूसरा आता है शिक्षकों की संख्या और बच्चों का नामांकन उपस्थिति। हालांकि ये मैंने आपको एक एक नहीं बताया, क्योंकि एक एक बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला अपन अगले पे चलते हैं, शिक्षकों की संख्या और बच्चों का नामांकन और उपस्थिति। यहाँ पे आपको स्वीकृत विद्यालय के जो पद हैं प्रधानाध्यापक का, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का लिखना है, और यहाँ जो कार्यरत हैं वह लिखना है। उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करें। यहाँ कई बार आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अगर आपने यहाँ पे 0 लिख दिया हो, जो 1 और 2 लिखने वहाँ पे अगर 0 लिख दिया हो आपने, तो ये आपका यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं आएगा। आप उस 0 को हटा देवें और बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देवें, खाली छोड़ देवें, तब वह आपका नील समझा जाएगा। और उसके बाद में जब सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपका आ जाता है ऊपरी तरफ डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने ये दूसरा स्टेप है, ये खुल जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये जो नामांकन की स्थिति है ये आप इसके अंदर दर्शाएं, और उपस्थिति जो है वो आप इसके अंदर दर्शाएं। उसके बाद में आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करें। इस तीसरे स्टेप में यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कक्षाओं के नाम, और यहाँ आपको शिक्षकों के नाम नजर आएंगे। जैसे यहाँ आप इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे जो टीचर्स की लिस्ट है वो यहाँ पे नजर आ जाती है। फर्स्ट कक्षा के अंदर टीचर और उसका कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी पढ़ाने का सब्जेक्ट जो है, और यहाँ जो दिया गया है उसके अनुसार आपको भरना है, 1 या 2 जो भी होता है, सामान्यतः 1 ही भरते हैं क्योंकि सारा अपन मापदंड के अनुसार ही किया जाता है अपने, तो आप ये भरें। और उसके बाद में इसी तरह से दूसरी कक्षा का, तीसरी कक्षा का, सारे टीचर्स का नाम, हिंदी पढ़ाने वाले का, गणित पढ़ाने वाले का, ये सब भरें। और उसके बाद में आप सब कक्षाओं का भरें, और यहाँ भरने के बाद आप नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे सेव लिखा हुआ नजर आएगा, इस सेव बटन पे क्लिक करें। इसी के साथ आपका तीसरा चरण कंप्लीट हो जाता है। आगे आपको चौथे चरण स्टेप 4 के अंदर आपको भरना होता है।
साथियों जानकारी लगातार जारी रहेगी, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आपकी जानकारी लिए बता देता हूँ कि हमारे तीन चैनल है। पहला चैनल है एआरजे ग्रुप एम्प्लॉयज, यहाँ आपको जानकारी मिलती है कर्मचारियों से जुड़ी हुई। दूसरा चैनल हमारा है एआरजे ग्रुप इन्फो, यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है यूट्यूब चैनल से पैसा कैसे कमाएं, और इसके साथ साथ आपको डेली न्यूज़ अपडेट मिलती है, साथ साथ ही आपको नई भर्तियों के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो इसके साथ हमारा तीसरा चैनल है एआरजे ग्रुप केयर, यहाँ भी आपको जानकारी मिलती है स्वास्थ्य के बारे में। फिलहाल मैं आपको जानकारी अवेलेबल करा रहा हूँ बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे तीनों चैनल अच्छे लगेंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे तीनों चैनल के लिंक पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल भी के नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं आपकी यह जानकारी। ये चौथा स्टेप है, इस चौथे स्टेप के अंदर आप कुल कक्षाएं, कुल शिक्षक, विषय, मापदंड अनुसार कितना विषयों का सिलेबस हुआ है, ये जानकारी जो आपने ऑफलाइन जो भरी है जिस पेज के अंदर, उसमें देख के आप ध्यानपूर्वक भरें। और ये जो अगला है, क्या आकलन मूल्यांकन हेतु लर्निंग इंडिकेटर्स के आधार पर प्रश्न पत्र बनाया गया है, ये जो सारी जानकारियां हैं ये आप भरें, और उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करें। सेव बटन पे क्लिक करने पर आपके सामने पांचवा स्टेप ओपन होता है। यह पांचवा स्टेप है, इस पांच स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे पांचवी कक्षा बोर्ड के परिणाम की जानकारी यहाँ पे एंटर करनी होती है। बच्चों की आप ग्रेड यहाँ पे भरें, ए प्लस, ए, ए बी, सी, जो भी आपकी ग्रेड आई है बच्चों की, वह यहाँ पे एंटर करें। और नीचे की तरफ आठवीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आप यहाँ पे एंटर करें, जो भी ग्रेडिंग है उसके अकॉर्डिंग ध्यानपूर्वक भरें आप। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे सेव बटन है, यहाँ पे सेव बटन क्लिक करके इसको सेव कर देना। और यह है अपने सीसीई का जो स्तर आकलन आपने किया था उसका है। यहाँ पे आप कक्षा एक के अंदर बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, और ए के अंदर उनमें से कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, इस जानकारी को आप ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि यहाँ पे गलती होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। और उसके बाद में आप यहाँ पे सेव बटन वाले पे क्लिक करके उसको सेव कर दें। सेव करने के बाद में आपके सामने ये सातवां चरण जो स्टेप है ये ओपन होता है। यहाँ वही आपको हाँ के लिए एक और नहीं के लिए दो लिखना होता है। विद्यालय के अंदर जो सीसी से जुड़े हुए या फिर एबीएल से जुड़े हुए जो भी सामग्री का विवरण जो है वो आप यहाँ पे एंटर करें एक एक करके। और कल्प कार्यक्रम है, पुस्तकालय का उपयोग आपने किया कि नहीं किया, कितनी पुस्तकें उपयोग की, ये सारी जानकारी आप इसमें एक एक करके भरें। शिक्षक पर शिक्षण से जुड़ी हुई जानकारी, विद्यालय के अंदर पेयजल, शौचालय और शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चलते हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी, ये सारी जानकारी आप इसमें एक एक करके भरें। और उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करें। सेव करने के बाद में ये पेज खुलता है। साथियों मैं आपको एक एक जानकारी भर के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप काफ़ी बोरिंग लगता है आपको, इसलिए मैं ये सिंपली बता रहा हूँ। ये आपको एक एक भरनी है क्योंकि ये आप जो ऑफलाइन आप एक फॉर्मेट के अंदर आप पहले भर के रखते हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ एंट्रीज करनी होती है, इसलिए मैं ये सारी एंट्रीज करके नहीं बता रहा हूँ बल्कि आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ जैसे हाँ के लिए एक, नहीं के लिए दो, वो लिखना हुआ भरें और उसके बाद में आप सेव बटन पर क्लिक करें। उसके बाद में ये नवा चरण जो होता है ये आपके सामने ओपन होता है। ये नवा चरण इस तरह से होता है, यहाँ पे आपको विद्यालय की समेकित मूल्यांकन करते हुए आपको ए बी सी ग्रेड अंकित करना है, और जो भी आपको ग्रेड है वो यहाँ पे सामने आपको बॉक्स बना हुआ इसके अंदर आपको एंटर करना होता है। तो ये आप यहाँ पे जो ग्रेडिंग जो है बी ए बी सी जो भी है वो यहाँ पे आप एंटर करें, और यह एंटर करने के बाद में अंत में आपको मिलेगा विद्यालय का समेकित ग्रेड। यहाँ विद्यालय का समेकित ग्रेड है, यहाँ पे विद्यालय का ओवरऑल जो ग्रेड होता है ए बी सी जो भी है वह आप भरें। और उसके बाद में अगला आता है विद्यालय स्तर और अधिक उन्नत करने की आवश्यकता है या नहीं, जो कोई भी जो प्रोन्नत करने के लिए उन्नत करने की जो आवश्यकता है वो आप यहाँ पे एंटर करें और उसके बाद में आप सेव बटन पे क्लिक करें। साथियों ये नौ चरण थे जो आप एक एक करके आप भरेंगे तो आप बड़ी आसानी से ये भर सकते हैं, कोई ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ये भरने के बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको इसका प्रिंट निकालना होता है। वह प्रिंट कैसे निकाला जाता है, प्रिंट निकालने के लिए आप ये होम पेज के अंदर जाएं और होम पेज के अंदर आपको क्यू एम टी नज़र आता है, इस क्यू एम टी के ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ये क्यू एम टी मॉनिटरिंग रिपोर्ट नज़र आती है, क्यू एम टी मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इस पर आप क्लिक करें। और क्यू एम टी रिपोर्ट आपको इस तरह से क्लिक करने पर ही नज़र आती है। यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का डाटा वगैरह नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको पूरा भरा हुआ फॉर्मेट नज़र आता है। और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रिंट वाले ऑप्शन पे तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे ये फॉर्मेट है, ये प्रिंट होने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे आप इसको सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं,
और यहाँ पे चेंज करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंटर का नाम आप सेट करके यहाँ से, जैसे आपको जो भी प्रिंटर है आपका, वह प्रिंटर आप चुने, उसके बाद में आप यहाँ से इसको प्रिंटर के द्वारा प्रिंट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भरना आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ आती है, कोई समस्या आती है उसके अंदर, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके अवश्य पूछें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।